हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैनाज वर्ल्ड। और लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो प्लांटर्स मैंने लाए हैं उसे हमें कैसे प्लांट करना है, उसके बाद हमें इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है जो कि इजी मेंटेन हो सके, उसके बाद मैं आपके साथ इंडोर और आउटडोर प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि इजी मेंटेनेंस वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर वाले पेबल्स हैं, उसके बाद कुछ प्लांटर पॉट्स हैं। ये पेबल्स की जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ पर केजी है। बहुत ही इजी मेंटेन वाले हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांटर्स और पॉट्स लाई हूँ। आपकी प्लांट्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो प्लांट किस साइज़ के पॉट्स में प्लांट करना है। ये जो प्लांटर्स आप देख सकते हैं ये 130 रुपीज़ पर प्लांटर है। बहुत ही बड़ी साइज़ है। इसमें अरेका, क्रिसमस ट्री जैसे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। यहाँ मैंने कुछ सिरेमिक प्लांटर्स भी लिए हैं। एक ये छोटा प्लांटर लिया है जो कि हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर या किसी कॉर्नर में। ये योगा प्लांटर है, इसकी जो प्राइस है वो 900 रुपीज़ है और जो छोटा प्लांटर है उसकी प्राइस 180 रुपीज़ है। योगा प्लांटर में आप इस तरीके से लकी बाम्बू भी रख सकते हैं या फिर स्मॉल साइज़ का जो मनी प्लांट होता है वो भी आप इसमें डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जड़े प्लांट भी रख सकते हैं। यहाँ आप जो दूसरा देख सकते हैं वो मेरा पहला पुराना वाला प्लांटर है। अभी मैं ये दो नए लाए हूँ, इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से डाइनिंग टेबल के ऊपर डेकोरेट करने वाली हूँ। ये जो पेबल्स आप देख सकते हैं जो डार्क पिंक कलर में हैं वो 100 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन इसका जो कलर है वो 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद इसका कलर चला जाएगा। लेकिन जो आप 250 रुपीज़ पर केजी के जो मेरे राइट हैंड में वो आप पेबल्स देख सकते हैं वो लाइफ टाइम के लिए चलेंगे, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो पानी में भी रहते हैं हमेशा के लिए फिर भी उसका कलर नहीं जाएगा। अगर आप पेबल्स डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर पॉट्स में पानी में भी रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत अच्छे पेबल्स हैं, तो मैं यही प्रिफर करूँगी, इसे ही आप यूज़ कीजिए। उसके बाद अब हम यहाँ जो प्लांटर हमने लाए हैं वो नए पॉट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ गार्डन सॉइल लिया है, उसके बाद यहाँ मैं कोकोपीट डाल रही हूँ और हमें यहाँ नीम मिक्सचर भी यूज़ करना है। नीम मिक्सचर यूज़ करने से जो कीड़े हैं वो आपके प्लांट्स में या सॉइल में नहीं लगेंगे। कोकोपीट और जो गार्डन सॉइल है उसका जो रेशियो है वो 3:1 या 4:1 रखिए, सेम रेशियो 2:2 ऐसा आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर जो कोकोपीट है वो ज़्यादा है तो जब भी आप अपने प्लांट्स को पानी देते हैं वो पानी जो है वो सॉइल में रुकता नहीं है, पूरा निकल जाता है। उस वजह से आपके जो प्लांट्स है उसे पूरे तरीके से पानी नहीं मिलता है और जो प्लांट के लीफ है या स्टेम है वो ड्राई होने लगते हैं। ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है, ज़्यादा पानी देने से भी जो प्लांट्स है वो जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं। आप अपने घर जो भी प्लांट्स लाते हैं अगर आप उसे अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या कम भी नहीं गिरना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं देखभाल कर सकते तो आप लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स लीजिए जो कि इंडोर होते हैं। जैसे जेड प्लांट है, उसका जो लीफ है वो बहुत ही मोटा होता है, उस वजह से वो अपने लीफ में ही पानी को सेव रखता है। अगर आप उसे 8-10 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसे आपको रेगुलरली पानी देना ही चाहिए।
यहाँ मैंने जो प्लांट्स लाए हैं उसे मैं 8 दिन के बाद प्लांट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं ऑलरेडी प्लांट के लिए हमारे घर का और नर्सरी का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए पहले प्लांट को घर लाने के बाद वैसा ही रखिए, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लांट्स को हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो सूट होने के बाद ही आप उसे 8-10 दिन के बाद नए पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि अगर सडनली आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो रूट्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। इस वजह से जो प्लांट है वो ड्राई होने लगता है। मैंने ये प्लांट्स को 8-10 दिन पहले ही लाया था, उसके बाद मैं उसे आज प्लांटिंग कर रही हूँ। इस पॉट में मैं क्रीपर प्लांट कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से फैलेगा, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं वो कैलेंचिया और सीडम का क्रीपर है। इसे हम हैंगिंग के लिए यूज़ करते हैं। हैंगिंग पॉट में डालने के बाद अच्छी तरीके से ग्रो होने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर प्लांट है। यहाँ मैं कुछ और भी प्लांट्स लाई हूँ। इसमें से एक एंथोरियम मिक्स करके 350 रुपीज़ का प्लांट है। वो सीजनल प्लांट है, उसे सिर्फ इसी सीजन में फ्लावर्स आते हैं। उसके बाद समर में तो जास्मिन का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए मैं जास्मिन प्लांट भी लेके आई हूँ। गोल्डन फर्न, उसके बाद एंथोरियम मिक्स और जेड़े प्लांट और मनी प्लांट, ये जो प्लांट्स हैं इन्हें आप शेडो में ही रख सकते हैं, इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है। 8 दिन में अगर एक बार भी आप मनी प्लांट को धूप में रखते हैं 1/2 घंटे के लिए तो भी काफ़ी है, बहुत ही अच्छी तरीके से मनी प्लांट ग्रो होगा। यहाँ हमने सभी प्लांट्स को पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैंने यहाँ इंडोर के लिए एक प्लांट स्टैंड लिया है, ये राउंड शेप में है। ये 5 फ्लावर पॉट स्टैंड है। इसकी जो प्राइस है वो 1700 है। इसमें आप उसी साइज़ के पॉट्स में लेके आई हूँ, उसे हम इसमें रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। कॉर्नर में आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये आयरन का बना हुआ है, वहाँ वुड के भी अवेलेबल थे, लेकिन हम जो प्लांट्स को पानी डालते हैं उस वजह से जो वुड है वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैंने आयरन का प्लांटर स्टैंड लिया है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। Thank you.
यहाँ मैं आपके साथ बहुत ही इजी मेंटेन करने वाला फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र को हमको 15 दिन में एक बार देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये पाउडर फॉर्म में है। इसे हमें 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। उसके बाद प्लांट्स के स्टेम में और पूरे पत्तियों पे, फ्लावर्स पे स्प्रे करना है। यहाँ मैंने एक कोलिन की खाली बोतल ली है, इसमें पानी ले लिया है। ये जो बोतल है वो 1/2 लीटर की है, इसीलिए मैं यहाँ 1 से 1.5 ग्राम जो पाउडर है फर्टिलाइज़र वो डाल रही हूँ। उसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप 1 लीटर मिक्सचर बनाते हैं तो 15 से 20 प्लांट के लिए सफिशियंट होगा। मैंने यहाँ आधा ही बोतल पानी लिया था। अभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद बोतल जो है वो पूरी भर ली है। अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से आपको स्प्रे करना है। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसीलिए मैं ये फर्टिलाइज़र ले आई हूँ जो हम पानी में डाल के डाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसे हमें हर बार सॉइल को 1 सेंटीमीटर पॉट से निकालना पड़ता है। उसके बाद जो ग्रैन्यूल्स हैं उसे हमें स्टेम के दूर डालना है और उसके बाद फिर से हमें उस पर मिट्टी डालना है। इस वजह से हर बार इतना करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं ये इजी फर्टिलाइज़र ले आई हूँ जो कि आप इजीली प्लांट्स को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में देना है एक बार। यहाँ मैंने आपके साथ नीम मिक्सचर शेयर किया है जो कि हम जब प्लांट्स को प्लांट करते हैं उस वक्त हमें इसे सॉइल में मिक्स करना है, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लांट्स पे कोई इंसेक्ट हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके पास अगर नीम तेल है तो नीम तेल को हमें 5 ml तेल को एक बॉटल में 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और कुछ इसी तरीके से 10 या 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है। वो डिसइंफेक्शन का काम करेगा। अगर फिर भी आपका जो प्लांट्स है वो ड्राई हो रहा है तो फिर आपको जो प्लांटर पॉट है उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब रूट्स जो है प्लांट के एक ही जगह पे जकड़ जाते हैं तो इस वजह से भी प्लांट सूख जाता है। इसीलिए जो सॉइल है उसे हमें कोकोपीट मिक्स करना है ताकि जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से रहे और जो रूट्स है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो करे, तभी जब आपका जो प्लांट है वो अच्छा रहेगा। ये केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप प्लांट्स लवर है। कुछ इस तरीके से फाइनल लुक क्रिएट हुआ है। यहाँ मैंने जेड प्लांट को प्रोपोगेट किया है तो देखते हैं कुछ दिनों बाद इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ये जो प्लांट ड्राई हुआ है ये जैस्मिन है, मोगरा प्लांट है। ये पूरी तरीके से ड्राई हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसे जो चाय पत्ती होती है ड्राई चाय पत्ती वो सॉइल में मिक्स की है 15 दिन में एक बार, तो अभी वो फिर से ग्रीन होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू।